Hello my dear students, welcome once again in my YouTube channel. So today my topic of discussion is very important and very interesting also. In my last video, I told you about the structure of nephron. So in this video, I am going to tell you about urine formation process. Actually, urine formation takes place in nephron. It actually involves three basic steps. First is ultrafiltration. Second is selective reabsorption and third is tubular secretion. Ultrafiltration of glomerule, or this is also known as ultrafiltration or glomerular filtration, you can say. And selective filtration की अगर बात करें तो यहाँ पे जितने भी water और useful substances हैं उनका students from filtrate into blood capillaries में इनका absorption होगा. और ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो सब्सटेंसेस का द सब्सटेंसेस विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सो दे आर सिक्रीशन इनटू द लॉन्ग ट्यूब. चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को. तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एक पॉइंट आपको स्टूडेंट्स मेमोराइज करना पड़ेगा कि इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. टोटली इट इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड द एनर्जी फॉर फिल्ट्रेशन इज डिराइव फ्रॉम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड. दूसरी बात अगर हम लोग करें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड प्रेशर काफी फोर्सफुली जितना भी फ्लूड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द बोमेंस कैप्सूल. आपको मैंने कल बोमेंस कैप्सूल का अप्लाई स्ट्रक्चर बताया था और इसके अंदर इस तरीके से ग्लोमेरुलस था. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर फोर्स करता है फ्लूड को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को. बहुत ब्लड प्रेशर फोर्स करेगा ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. और जो बोमेंस कैप्सूल में जो सब्सटेंसेस होंगे स्टूडेंट्स, उसमें वाटर आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा C6H12O6, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे और कुछ साल्ट्स हो जाएंगे, यूरिया हो जाएगी, यूरिया एंड सम साल्ट्स. तो ये कुछ कहानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की. दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन की, तो यहाँ पे डिफ्यूजन नाम का प्रोसेस होगा जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. डिफ्यूजन और एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होगा यूजफुल मॉलिक्यूल्स का. कहाँ से होगा स्टूडेंट्स? फ्रॉम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में होगा. और यहाँ पे जो सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब होंगे उनका नाम आप लिख सकते हैं, वाटर होगा, अगेन ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे और कुछ सॉल्ट होंगे. तीसरी बात हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन की कर लेते हैं. तो ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करें तो ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन. तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एक्सक्रीटरी वेस्ट का, कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम ब्लड इनटू ट्यूब्यूल्स. ब्लड से किधर होगा स्टूडेंट्स? ट्यूब्यूल्स में. और जो सब्सटेंसेस पुट बैक होंगे ट्यूब्यूल में, उनमें आप लिख सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए यहाँ पे यूरिक एसिड होगा, अमोनिया होगा एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे. और अगर हम लोग इसके और डिटेल में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन था. मैंने आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में बताया कि यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस में होंगी वो ग्लोमेरुलस को लीव करेंगी, नैरोअर देन एफरेंट आर्टेरियल. जो एफरेंट आर्टेरियल होंगी वो काफी नैरो होंगी. और प्रेशर की मैंने आपको बात करी. जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में. और क्या क्या नहीं होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, तो अगर हम लोग बात करें आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, प्लाज्मा प्रोटीन की, तो ये नहीं पाए जाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में. जीएफ में क्या क्या मिलता है ये आपके सामने, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, हार्मोन्स, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सारी चीजें आ जाएंगी. तो जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन था स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इतना ही है आज के वीडियो लेक्चर में. नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यूरिन का क्या कंपोजिशन होता है और उस से रिलेटेड जो हार्मोन्स आने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंटी डायुरेटिक हार्मोन. और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी के कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और आर्टिफिशियल किडनी का क्या काम होता है, उसको क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं, डायलिसिस प्रोसेस होती है, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.
and share with your friends as more as possible. Thank you, students, for continuous supporting me. I hope we will meet soon. Bye-bye.